मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे पर सलीम कुरैशी नाम के एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि मनपा अतिक्रमण विभाग के कार्यालय में सलीम कुरैशी ने पहले कांच फोड़ा, उसके बाद उस कांच के टुकड़े को लेकर मनपा अधिकारी सागर सालुंखे पर हमला करने की कोशिश की है, ऐसा आरोप सलीम कुरैशी पर लग रहा है। मुमरा रेलवे स्टेशन एम गेट के पास सलीम कुरैशी ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां पर नोटिस बोर्ड लगा दिया था और मनपा ने कार्रवाई कर ये नोटिस बोर्ड उठा लिया है। आपको बता दें कि पहले जब एम गेट नहीं था उस वक्त यहां पर कई दुकानें हुआ करती थी और उसमें सलीम कुरैशी की भी दुकान थी। हालांकि जब यहां पर दुकानें तोड़ दी गई उसके बाद सलीम कुरैशी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सलीम कुरैशी का दावा है कि कोर्ट में फैसला उनके पक्ष आया और यहाँ पर इसलिए उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाया था। हालांकि मनपा ने जब कार्रवाई की उसके बाद मुमरा अतिक्रमण विभाग कार्यालय पहुंच गई और पीछे पीछे सलीम कुरैशी भी अतिक्रमण विभाग कार्यालय पर पहुंच गए। सलीम कुरैशी पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने कार्यालय में घुसकर सहायक आयुक्त के केबिन में जो टेबल पर कांच था वो कांच पटक दिया और कांच टूटे हुए कांच का टुकड़ा लेकर सहायक आयुक्त सागर सालुंखे पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले में सलीम कुरैशी के खिलाफ मनपा अधिकारी सागर सालुंखे ने मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है और इस पूरे मामले में सलीम कुरैशी ने क्या कुछ बताया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। हालांकि सागर सालुंखे जो है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हमने फ़ोन से उनसे बात करना चाहा लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा था। अगर उनसे संपर्क होता है तो हम उनका भी पक्ष आपके सामने रखेंगे। सलीम भाई क्या वजह है कि अभी आज कुछ देर पहले जो है आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट का बैनर लगाया हुआ था उसके ऊपर कुछ सर्वे नंबर वगैरह निकाला और अभी जो है TMC द्वारा जो है आकर के उसको उठा करके लेके गए, किस चीज़ का बैनर लगाया हुआ था और कैसा कैम्प था, क्या कहना चाहिए? मैं कहना ही चाहता हूँ कि उसका ऑर्डर हाईकोर्ट का भी था, सुप्रीम कोर्ट का था और लोअर कोर्ट का भी ऑर्डर थे। ये जगह कहीं प्राइवेट जगह है, ये सर्वे नंबर 7 के अंदर तक आता है, गेट के अंदर भी आता है, लेकिन लोग दादागिरी दिखाते हैं, धांधली वाले दिखा रहे हैं। मुझे आश्वासन दिया तुम्हें बिल्डिंग की जगह देंगे, तुम्हें बिल्डिंग की आप 1-4 की MSI देंगे, सारी कुछ बनने मत दो, लेकिन मुझे धोखा दिया हुआ था आपने। कितने साल से आप ये केस लड़ रहे थे? 2004 से लड़ रहा हूँ। और कब जीते हैं आप? अब एक तो हम 13 में जीते, फिर एक 14 में भी जीते, एक 15 में सुप्रीम कोर्ट 15 में जीते। 13, 14, 15 मतलब 3 साल लगातार जीते। हाँ, और अभी उसका जो है आप लोग वो कर रहे हैं? जी जी। तो किस तरह का, किसी तरह का कोई आश्वासन वगैरह आपको? आश्वासन ये है कि मुझे बिल्डिंग की जगह देंगे, लेकिन बस आश्वासन ही देते, कुछ दिया नहीं है सब। अरे इस तरह की दादागिरी धारणी बाजी। और प्रशासन से क्या अपील करेंगे? अपील क्या करेंगे, जो आप पे जो ऑर्डर है जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी ठुकराया जा रहा है तो उनके ऊपर क्या, किस तरह की? अगर इंशाल्लाह उनके ऊपर कंडम करूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट पर कंडम करूँगा।